कैसे लगा खाने में? खाने में तो बहुत बढ़िया लगता है और हम लोग यही पे खाते हैं दोपहर के टाइम में। हे गाइस, व्हाट्सएप एवरीबॉडी, तो दिस इज द मंगलम ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से रांची के लिए, तो रास्ते में जो भी चीजें मिलती है उसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। तो मैं इस गाड़ी से जा रहा हूँ, ये रही मेरी बुलेट, तो देखिए यहाँ पे है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ पेट्रोल भी डलवाने। तो पेट्रोल हमने ले लिया, पेट्रोल लेके अब हम हजारीबाग निकल रहे हैं और हजारीबाग में कुछ काम है, कुछ काम करके फिर रांची निकलेंगे। तो कुछ जो वीडियो में जो कुछ मिलेगा उसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हम डोसा खाने के लिए आए हैं, बहुत फेमस डोसा बनाते हैं भैया। यादव डोसा जंक्शन है ये, बहुत अच्छा डोसा यहाँ बनता है, हजारीबाग का सबसे फेमस डोसा है यहाँ पे बनता है। और ये अनदर चौक से नज़दीक गुरु गोविंद सिंह रोड में ये ठेला लगता है। यहाँ से अच्छा डोसा आपको हजारीबाग में कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ पे सारे चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है डोसा में, आपको हम दिखाते हैं। तो इसमें भैया डोसा में क्या क्या डालते हैं आप? डोसा में बटर डलता है और चीज डलता है, पनीर डलता है। हाँ, बाकी डोसा बहुत प्रकार का है। जो आप बना रहे हैं वो उसमें क्या क्या डाल रहे हैं? एक कटिंग बटर मसाला है। हाँ, और डोसा का प्राइस कितना लेते हैं? तीस रुपया एक डोसा का जो बना रहे हैं आप? अच्छा, ठीक। तो ये यादव ढोसा जंक्शन है, मुंबई चिकड़ी ढोसा इसमें लिखा हुआ है। शादी और पार्टी में यहाँ पे ऑर्डर लिया जाता है, शादी और पार्टी में भी जाता है ये ढोसा वाला। किस समय आते हैं? 3 से 8। तो यहाँ पे ढोसा बहुत ही फेमस ढोसा बनाते हैं ये, आप भी आइए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, आप यहाँ पर ढोसा खाइए। और यहाँ पर ढोसा के साथ इडली भी बनता है, दोनों चीज़ फेमस है यहाँ का। और ये एडिडास के शोरूम के सामने ये लगाते हैं ठेला, आप देख लीजिएगा। और अनदर चौक से ये गुरु गोविंद सिंह रोड में ये पड़ता है, देखिए इधर एडिडास का शोरूम है और इधर लिबर्टी का शोरूम है और इसके बीचों बीच ये बैठते हैं। और ये इडली भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी इडली बनाते हैं ये, जो हम लोग खा रहे हैं। दो तीन दोस्त और मेरे आए हुए हैं इधर। तो मैंने इडली खाया, बहुत ही टेस्टी बनाया था इन्होंने, तो मेरे फ्रेंड लोग भी इधर देखे खा रहे हैं। तो कैसे लगा खाने में? खाने में तो बहुत बढ़िया लगता है और हम लोग यही पे खाते हैं दोपहर के टाइम में। तो ये भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा खाने में। तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ यहाँ पे आइए और यहाँ का डोसा एक बार टेस्ट करके देखिए, बहुत अच्छा ये बनाते हैं।
फ्रेंड लोग से मिलने के बाद डोसा को और इडली को एंजॉय करने के बाद अब हम रांची जा रहे हैं। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।